हेलो गाइस, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यदि आपने नीट 2020 का एग्ज़ाम दिया है तो, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नीट 2020 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू कट ऑफ क्या होगी, स्टेट वाइज कोटा के थ्रू कट ऑफ क्या होगी, जितने भी आपके मार्क्स बन रहे हैं उन मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका रैंक क्या होगा, ऑल इंडिया कोटा के अंदर रैंक क्या होगा और स्टेट वाइज कोटा के अंदर रैंक क्या होगा, ये सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वेस्ट बंगाल लेती हूँ कि वेस्ट बंगाल की जो कट ऑफ होगी वो कितनी जाने वाली है। तो हम ऑल इंडिया कोटा की बात करते हैं। आप सभी को पता है कि जो ऑल इंडिया कोटा का रिजर्वेशन होता है वो कितने सीट्स पर होता है, 15% सीट्स पर होता है, और जो स्टेट वाइज कोटा का रिजर्वेशन होता है वो कितना होता है, 85% होता है। उसके बाद जो इनकी कैटेगरी होती है, जैसे आपका जनरल हो गया, ओबीसी, एससी, एसटी, कैटेगरी वाइज भी अलग से रिजर्वेशन होता है, वो डिपेंड करता है स्टेट के ऊपर और कॉलेज के ऊपर। ठीक है, तो मैं ऑल इंडिया कोटा वेस्ट बंगाल की बात कर लेती हूँ। तो अगर मैं जनरल की बात करूँ तो जनरल की कट ऑफ कितनी जा सकती है, 605 to 610 अप्रोक्सीमेट आपकी ये कट ऑफ जा सकती है, और यदि आपके इतने मार्क्स बनते हैं तो आपका रैंक कहाँ लाई करेगा, 1 to 10,000 के मिड आपका रैंक लाई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं कैटेगरी की बात करूँ तो ओबीसी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ कितनी जाने वाली है, एक्सपेक्टेड 604 to 610 आपकी कट ऑफ जाने वाली है, और अगर इतने मार्क्स आपके आते हैं तो आपका रैंक लाई करेगा 1 to 12,000 के बीच। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ जाने वाली है वो 465 to 470 के आसपास आपकी कट ऑफ जाने वाली है, और आपका रैंक कहाँ लाई करेगा, 1 to 90,000 के मिड आपका रैंक लाई करेगा। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी की कट ऑफ अप्रोक्सीमेट जाएगी 463 to 470, और अगर इतने मार्क्स आपके बनते हैं तो आपका रैंक कहाँ लाई करेगा, 1 to 90,000 के मिड आपका रैंक लाई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ स्टेट वाइज कोटा की, कि स्टेट वाइज कोटा के अंदर जो कट ऑफ होगी वो कितनी जा सकती है और कितने कट ऑफ, कितने मार्क्स के ऊपर आपका रैंक क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले अगर जनरल कैटेगरी की बात की जाए तो जनरल कैटेगरी के अंदर अगर आपके मार्क्स बनते हैं 530 to 535 तो स्टेट वाइज कोटा के थ्रू आपको कॉलेज मिल जाएगा और आपका रैंक क्या होगा, 1 to 50,000 के बीच आपका रैंक लाई करेगा। ऐसे ही यदि मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूँ तो ओबीसी कैटेगरी के अंदर भी आपकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है, 530 to 535। वेस्ट बंगाल के अंदर मोस्टली जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी होती है उनकी जो कट ऑफ जाती है वो इक्वली जाती है। ऐसे ही अगर आपके इतनी कट ऑफ गई है, आपके इतने मार्क्स आए हैं, तो आपका रैंक लाई करेगा 1 to 50,000 के बीच। नेक्स्ट यदि मैं एससी कैटेगरी की बात करूँ तो एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ जाएगी अप्रोक्सीमेट वो जाएगी 370 to 380, और यदि आपके इतने मार्क्स बनते हैं तो आपका रैंक लाई करेगा 1 to 2 lakh के बीच। ठीक है, नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी की कट ऑफ जाने वाली है 340 to 350, और 340 to 350 आपके मार्क्स बनते हैं तो आपका रैंक लाई करेगा 1 to 3 lakh 50,000 पर। ठीक है, ये था आपका वेस्ट बंगाल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो कि 2019 की कट ऑफ, 2018 की कट ऑफ और आपके पेपर का लेवल देखने के बाद डिसाइड किया गया है कि आपकी अप्रोक्सीमेट कट ऑफ इतनी जाएगी। ठीक है, काफ़ी एनालिसिस के बाद ये कट ऑफ निकाली गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और भी किसी स्टेट की यदि आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिएगा। किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर कोई डाउट होता है तब भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।